जेठानी बनी सौतन। शेफाली नंदा देवी की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी नंदा ने गाजे बाजे के साथ गायत्री के देवर रवि के साथ की थी। बहुत जल्द गायत्री ने शेफाली के साथ स्नेह का गठजोड़ बना लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती थी। जेठानी जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। उफ शेफाली, कितनी दफा कहा है ना, मुझे जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। मगर अगर मगर को गोली मारो और मेरे पास आकर बैठो। भोर की उठी सारा दिन एक पाँव पर नाचती रहती हो, मुझे एक तिनका भी टस से मस नहीं करने देती। जेठानी जी, एक अरसे से आप ही तो सब जिम्मेदारी निभा रही थी, अब घर बार की जिम्मेदारी अपनी देवरानी के सिर नाम कर दीजिए और आप बस हुक्म फरमाइए। तो हुक्म ये है कि आज हम दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर रसोई में खाना बनाएंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी उनके पति दरवाजे से दस्तक देते हैं, जहां सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। वाह गायत्री भाभी, आपके हाथों बने कढ़ी के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। मिर्च मसाले के मामले में तो एकदम नपातुला हाथ पाया है आपने। अपने पति के मुंह से जेठानी के खाने की वाहवाही देवरानी के मन में खटक जाती। रवि देखो ना, मैंने भी तुम्हारे लिए भरवा भिंडी बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। सॉरी शेफाली, मगर मैं भाभी के कढ़ी का स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये भरवा भिंडी मैं फिर कभी और खाऊंगा। शेफाली को पति का इनकार अच्छा नहीं लगता। फिर उस रात माँ का फोन आता है। कैसी है मेरी लाडो रानी? मैं अच्छी हूँ माँ। तेरी फीकी आवाज से लग तो नहीं रहा, जेठानी से कोई खटपट हुई क्या? अरे नहीं माँ, मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है, हम दोनों के बीच बहनों जैसा प्यार है। शेफाली के मुंह से अपनी जेठानी की वाहवाही सुनकर नंदा अपने खुराफाती दिमाग चलाती है। पता नहीं उस चंटी जेठानी ने मेरी भोली भाली बेटी को कौन सी घुट्टी पिला दी है, जो ये उसके गुड़ों की गाथा गा रही है। ये संबति मुझे हजम नहीं हो रही है। चल नंदा, खेल अपने दिमाग का खुराफाती खेल। माँ माँ कहाँ खो गई? बेटी तू बहुत भोली है, मगर तुझे अपनी जेठानी की चिकनी चुपड़ी चाल को समझना बूझना होगा। चल तू बता परेशान क्यों है। शेफाली अपनी माँ को खाने की मेज पर हुआ वाक्य बताती है, जिसे सुनकर नंदा मिर्च मसालों के साथ अपनी बेटी के आगे पेश करती है। पूरी बाबा, बहुत बड़ा झोल है, जरूर तेरी जेठानी और पति के बीच कोई और ही खिचड़ी पक रही है, फंसा लिया है तेरी जेठानी ने तेरे पति को। माँ ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बाय। शेफाली बड़ी झुंझलाहट के साथ फोन रख देती है, मगर माँ की कही बात उसके मन में घर कर जाती है। अगली सुबह, भाभी भाभी कहाँ हो आप, प्लीज यहाँ आ जाओ। जी देवर जी, आपने बुलाया। हाँ भाभी, जल्दी से मेरी टाई बांध दो ना प्लीज। झुकिए तो सही, ताड़ के पेड़ जैसे तने रहेंगे तो टाई नहीं बंधेगी। अरे भाभी, वो तो भैया ने बीच में आकर मेरा पत्ता काट दिया, पर ना मैं तो जीवन भर के लिए झुकने को तैयार था। हट बदमाश, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे देवर जी। अपनी जेठानी को पति के इतने करीब पाकर शेफाली मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, शायद माँ सच कह रही थी, जेठानी जी को रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही, अपने देवर के इतना करीब जाते टाई बांधना तो बस एक बहाना है। शेफाली गुस्से में पांव पटकती हुई अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ को फोन घुमाती है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी मेरी लाडो रानी, तुझे ही याद कर रही थी मैं। अरे झूमर का अचार डालू, मेरी जेठानी मेरी आंखों के सामने मेरे पति से एकदम गुड़ के जैसे चिपकी खड़ी थी। फिटे मुत तेरे, अरे तू खड़ी खड़ी क्या अपनी सौतन और पति को देखकर आंखें सेक रही थी? कुछ भी मत बोलो माँ, एक तो ये सौतन की डांव मेरे कलेजे पर सांप की तरह लौट रही है, उस पर तुम्हारे ताने नहीं झेल सकती। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है बेटी, अपनी बेशर्म जेठानी पर ताने कस, वरना वो लटके झटके दिखाकर तेरे पति के साथ रासलीला रचती रहेगी और तू हाथ मलती रह जाएगी। इस तरह देवरानी का दिलो दिमाग अपनी मंथरा माँ नंदा की नारदगिरी का शिकार हो जाता है, जिस कारण अब ना तो शेफाली अपनी जेठानी से सीधे मुंह बात करती थी और ना ही उससे प्यार से पेश आती थी। लगता है आज मेरी प्यारी देवरानी रवि देवर जी के लिए स्पेशल रसोई बना रही है। देखिए ना जेठानी जी, मैं चाहे लाख पैतरे से खाना क्यों ना पका लूं, मगर मेरे प्यारे पतिदेव के मुंह से आपके हाथों का बना खाने का स्वाद छूटता ही नहीं। दिन हो या रात,
उनके सर पर बस भाभी भाभी का भूत सवार रहता है। कहीं आप दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अपनी देवरानी के मन में उभरे सौतेलेपन के शक को भाप कर गायत्री के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो डबडबाई आंखों से कहती है, शेफाली ये तुम मेरे और देवर जी पर इतना घटिया दोष मत लगाओ। और कुछ न सही तो हमारे बीच के उम्र के फासले के तह को देख कर फैसला करो। जेठानी जी, आपके देवर आपसे 10 साल छोटे हैं और आजकल तो फिल्मी सितारों के लिए उम्र का फासला मिटाना फैशन बन गया है, तो आपके लिए अपने से 10 साल छोटे देवर के साथ चक्कर चलाने में कैसे सोच? क्यों? गायत्री शेफाली को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर शक की तराई में डूबी शेफाली उसकी एक नहीं सुनती। दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रवि अपनी भाभी के लिए भेंट लाता है। भाभी, ये देखो आपका देवर आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया है। मगर देवर जी ये मैं। अरे रख लीजिए जेठानी जी, वरना आपके देवर का दिल टूट जाएगा। क्या हुआ शेफाली, तुम्हारा लहजा इतना उखड़ा हुआ क्यों है? जेठ जी, कैसे पति है आप? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी आपके ही भाई के साथ नाजायज रिश्ते बनाए बैठी है और आपको भनक भी नहीं। शेफाली होश में तो हो, तुम मेरे और भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा जी, तुम दोनों खुलेआम देवर भाभी के दायरे मिटाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर सकते हो, और मैंने आज जब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो कांटा चुभ गया। हाँ बस करो शेफाली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप ही बता दीजिए जेठानी जी, फिर कैसा है? कौन सा देवर अपनी भाभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है और बीवी के सामने भाभी के हाथों के खाने की तरफदारी करता है? जितने सपने मैंने अपनी आंखों में संजोए थे वो मेरे पति के हाथों पूरे होते तो है, मगर आपको अपने ही देवर पर डोरे डालते शर्म नहीं आई? आएगी भी कैसे, शर्म तो बेच खाई है आपने, सौतन बन गई है मेरी। आपके कारण रवि मुझसे कटे कटे रहते हैं। अपनी देवरानी के मन में गड़े गलतफहमी के कांटे को हटाने के लिए गायत्री रसोई में रखा मिट्टी तेल कुकर उठा लेती है। गायत्री क्या गजब कर रही हो तुम, रुक जाओ। नहीं आनंद, इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। अरे बंद करो ये सती सावित्री का ढोंग और मर जाओ। ये सुनकर रवि गुस्से में बौखला कर शेफाली को एक जोरदार चाटा मार कर कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं बहुत छोटा था जब माँ का आंचल मुझसे छूट गया था, तब भाभी ने मुझे संभाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस देवर के लिए माँ के समान है, मुझे संभालने के लिए उन्होंने अपने सारे शौक का गला घोंट दिया, इसलिए मैं एक बेटे का फर्ज अदा कर रहा था। मगर भाभी से मीठे मुंह बात करने का तुमने गलत मतलब साधा है। मैं तुम जैसी गिरी हुई सोच रखने वाली लड़की के साथ नहीं रह सकता, चली जाओ यहाँ से। अपने पति और जेठानी के बीच के स्नेह का सार्थक अर्थ जान शेफाली का सर शर्म से झुक जाता है और वो डबडबाई आंखों से कहती है, ये मेरे हाथों कैसी भूल हो गई जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। आप दोनों के पवित्र रिश्ते पर शक करके मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मैं इस स्वर्ग जैसे घर में रहने के लायक नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं शेफाली, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का है, जिसके सिखावे में आकर तुम्हारा अपनापन ओछेपन में बदल गया। मगर अब तुम सच में रूबरू हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, रवि सिर्फ तुम्हारे हैं। जेठानी की इस बात से शेफाली के मन की खटास खत्म हो जाती है और फिर वो कभी अपनी माँ से कोई सलाह मशवरा नहीं लेती। साथ ही देवरानी के दिलो दिमाग में सवार जेठानी के सौतन का शक सदा के लिए समाप्त हो जाता है और दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी खटपट के आपस में घुल मिलकर रहने लगती हैं। गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की शादी। एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला बहुत ही गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थी। वो कूड़ा कचरा बीन कर अपने घर का गुजारा करती थी, जिसके चलते गांव के कई लोग उसे कई सारे ताने भी सुनाया करते थे। सुशीला हाथ में बोरा लिए कूड़े के ढेर के पास कचरा बीन रही होती है। हे भगवान, देखो जरा इस मनहूस को, जहां देखो कचरा बीनती रहती है। ऐसी औरतों को तो इस गांव से निकाल ही देना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, कलंक। हाँ हाँ, इसे निकाल दो इस गांव से, इसने हमारे पूरे गांव का नाम बदनाम कर रखा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुशीला उन सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो तू काम करती है इसे औरत जात की बेइज्जती होती है, और हम नहीं चाहते कि तू ऐसा काम हमारे गांव में करे।
जिस काम से मेरे परिवार की भूख मिटती है वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तो कूड़ा कचरा बीनकर अपने परिवार की भलाई करेगी। अरे तेरे सर पर तेरी 5 बेटियां बैठी है, उनकी शादी क्या कूड़ा कचरा बीनकर करेगी? मेरे लिए कूड़ा कचरा बीनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे तो हमारा पर्यावरण ही साफ होता है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करती है और कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। शाम को जब वो वापस घर की तरफ लौटती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसी गरीबी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उनके शादी अच्छे घर में करूंगी ताकि उन्हें मेरी तरह कूड़ा कचरा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारनी ना पड़े। सुशीला रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी 5ों बेटियां उससे कहती है, माँ आपको ये क्या हुआ है? आज आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। माँ क्या आप रोकर आ रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा था क्या आपको? नहीं मेरी बच्चियों, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ आप हमसे सब कुछ छुपा सकती हो लेकिन अपने आंसुओं को नहीं छुपा सकती। माँ मैं जानती हूँ कि आज भी आपको गांव वालों ने जलीकटी बातें सुनाई होगी, लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी और इतने कष्ट क्यों झेल रही हो? जबकि हम आपकी असली बेटियां भी नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमारी अच्छी परवरिश और शादी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, आप क्यों एक वादे को पूरा करने के लिए इतना सहन कर रही हो? माँ अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटियां हो, चाहे बेशक पराई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां ही माना है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को वादा किया था कि मैं तुम 5ों की शादी अच्छे घराने में करूंगी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। सुशीला की बात सुनने के बाद उसकी 5ों बेटियां उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सुशीला एक सफेद कलर का बोरा हाथ में ले लेती है और पंडित के पास पहुंच जाती है। पंडित जी मैंने आपको अपनी बेटियों की कुंडलियां दी थी, आपने उसके योग्य कोई लड़के ढूंढे हैं क्या? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, एक माँ के लिए अपनी बेटियों का अच्छा सोचना बनता है, लेकिन तुम समाज के लोगों को तो जानती ही हो, वो अपने बेटों की शादी कूड़ा कचरा बीनने वाली से कभी नहीं करेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा कहने के बाद सुशीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो रेड लाइट पर जाकर कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक बहुत तेजी से कार आती है, जिसके चलते बेचारी सुशीला के ऊपर कीचड़ उछल आती है। हे भगवान, ये अमीरजादे कितने बदतमीज होते हैं, इन्हें ये तक नहीं दिखाई देता कि इनकी कार के आसपास और भी लोग खड़े होते हैं। इन्हें तो बस अपनी ही मौज मस्ती में कार चलानी होती है। सुशीला के सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, वो फिर भी कूड़ा कचरा बीनती रहती है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती है। ये औरत अभी तक हमारे गांव में कूड़ा कचरा बीन रही है, बेचारी ऊपर कार की वजह से कीचड़ उछल गई। अरे इसकी इज्जत पर भी इसी प्रकार कूड़ा कचरे बीनने की वजह से कीचड़ के दाग लगे हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहती। अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुशीला के चिल्लाने पर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सुशीला कचरा बीनते बीनते एक कूड़े खत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारा कूड़ा नजर आता है। वहीं उसको कूड़े के अंदर एक बैग भी दिखता है। अरे ये बैग तो साफ सुथरा और मजबूत लगता है, मेरी 5ों बेटियों में से किसी को तो ये बैग पसंद आ ही जाएगा, इसे मैं आज घर लेकर चलती हूँ। कूड़ा बीनने के बाद सुशीला सबसे पहले कबाड़ी के पास पहुंच जाती है और अपना सारा कूड़ा कचरा उसे बेच देती है। कबाड़ी वाला सुशीला को 100 रुपए दे देता है, जिसके बाद सुशीला पैसे और बैग लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सेजल कहाँ पर हो तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सेजल बैग देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ आप मेरे लिए बैग लेकर आई हो, मेरा बैग वैसे भी फट गया था। सेजल जैसे ही बैग खोलकर देखती है उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां होती है। माँ जरा देखो तो सही, इस बैग के अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सुशीला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने हाथों को जोड़ते हुए
अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। लगता है उसने हमारे दिन बदल दिए। अब मैं अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर परिवार में करूंगी। सुशीला उन पैसों से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा मकान बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ पैसों से वो अपनी मिठाई की एक दुकान भी खोलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है। चंद महीनों में वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। सुशीला अपनी 5 बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढती है, जिनसे उनकी शादी कर देती है। देखा मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम्हारी शादी अच्छे घरों में जरूर करूंगी। आखिरकार भगवान ने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसी जिंदगी तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। माँ, वैसे तो मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन आपने हमारी किस्मत के सितारे चमका दिए। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब दुनिया वालों को कहना चाहिए कि एक कचरे वाली ने अपनी 5 बेटियों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है, जिसमें भगवान ने उसका साथ दिया है। हम सभी की शादी गरीब लोगों को एक हौसला देगी कि गरीब लोग भी अच्छे घरों में शादी कर सकते हैं। माँ, आप हमारे लिए एक हीरा हो, हीरा। ऐसा कहने के बाद वो पांचों बहनें मिलकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहाँ पर सुशीला के मोहल्ले वाले आ जाते हैं। तुमने अपनी बेटियों की शादी इतने अच्छे घरों में की है कि मैं बता नहीं सकती। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना सुशीला बहन। सुशीला सबको माफ कर देती है और उन लोगों के साथ अपनी 5 बेटियों की शादी में बहुत एंजॉय करती है। वो अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देती है। शादी के बाद उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है, जिसके चलते सुशीला भी बहुत खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाने लगती है। गाँव के सभी लोग अब उसी से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। सोने के बाल वाली बहू। अरे, उस रूपा के बाल तो दिन बर दिन और भी ज्यादा लंबे और घने होते जा रहे हैं। उसकी खूबसूरत बालों से पूरे गांव की लड़की उसके बाल के जाल में उलझते ही जा रहे हैं। अरे, जब उसके काले घने बालों की चोटी उसकी कमर पर बल खाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली नागिन लहरा रही हो। उसके बालों की तारीफ करके हम सहेलियां अपना जिया क्यों जला रही हैं? जाने हमारी गाय की पूंछ जैसे बाल कब उसके जैसे होंगे। ढोलकपुर गांव में रहने वाली रूपा के बाल गांव की सभी लड़कियों की तुलना में बेहद ही लंबे, घने और काले थे। पूरे गांव के लड़के उससे ब्याह रचाने के सपने देखा करते थे। रूपा अपने पिता महेंद्र के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता एक साधारण लकड़हारा थे, जो मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। पिताजी, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तेरे लिए एक जिम्मेदार पिता न बन सका। तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। पिताजी, हम थोड़े में भी खुश हैं। मैं पानी भरने जा रही हूँ। रूपा घड़ा उठाकर कुछ दूरी पर बसे झरने के पानी में अपने केश धोने लगती है। तभी केशव नाम के एक शख्स की नजर उसके बालों पर पड़ती है और वो सुध बुध खोकर उसे देखते हुए कहता है, तीखे नयन, मोरनी जैसी चाल और लंबे काले बाल। अचानक रूपा पीछे मुड़कर कहती है, कौन है, कौन है वहाँ, सामने आओ। केशव उसके सामने आकर कहता है, आपको यूं छुपकर देखने की गुस्ताखी के लिए आप जो चाहें सजा दे सकती हैं। केशव का ऐसा अंदाज देखकर रूपा उसके रूप में ही खो जाती है और अपने गीले बालों को झटके से पीछे करती है। उसके लंबे बाल केशव की घड़ी में अटक जाते हैं और केशव कहता है, अजी क्यों इन सुंदर बालों को तोड़ना चाहती हो। रूपा एक हल्की सी मुस्कान देकर नजर नीचे किए हुए चल देती है और दोनों रात भर चांद को निहारते हुए एक दूसरे की याद करते हैं। और अब हर रोज केशव झरने के पास आकर रूपा का इंतजार करता और ये सिलसिला प्यार का मोड़ ले लेता है। और केशव कहता है, रूपा, अब अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हसीन जुल्फों में अपनी शाम और हर एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। तो फिर ले चलो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए। मैं कल ही माँ के साथ हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आऊंगा। केशव घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगली सुबह दोनों उसके घर आते हैं, जहाँ कौशल्या चारों तरफ देखकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। पर आखिर क्यों माँ? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरी शादी को लेकर मैंने बहुत से सपने सजाए हैं, जिन्हें ये गरीब भिखारी पूरा नहीं कर सकते।
और जो खुद ही झोपड़ी में सड़ रहे हैं वो हमें क्या देंगे। हाँ ये बात अलग है कि इस लड़की में कोई खोट नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रूपा से। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, जो इस दो कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी माँ से लड़ने पर उतारू हो गया है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है इस लंबे बालों वाली डायन ने तुझ पर। अगली सुबह केशव गांव के मंदिर में जाकर रूपा से शादी करके कहता है, दुनिया की रीति रिवाजों से परे आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो कौशल्या कहती है, नास पिटे तेरा डायन, मेरे बेटे को अपनी जाल में फंसा ही लिया। माँ अब रूपा मेरी पत्नी और आपकी बहू है, इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो हम इसी वक्त चले जाएंगे। बेटा तुझे यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, आओ बहू रानी स्वागत है। दरअसल ये कौशल्या का दो तरफा चेहरा था। केशव की गैर मौजूदगी में कौशल्या अपने बहू पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं गवाती थी। क्यों रे करमजली, बड़ा शौक है ना लंबे बाल रखने का। घर के हर एक कोने में तेरे ही बाल पड़े हुए हैं और खाने में भी तेरे ही बाल तैर रहे हैं। सासू माँ आपकी डर से मैंने पिछले दो दिन से अपने बालों में कंघी तक नहीं लगाई, फिर मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं। तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है, रुक अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। कौशल्या बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में पटकने लगती है और वो कहती है, आह आह सासू माँ छोड़ दीजिए मेरे बालों को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समय तेजी से गुजरता है जिसके साथ कौशल्या की ज्यादतियाँ भी बढ़ती जाती हैं। एक रोज वो कहती है, बड़ा इतराती है ना अपने लंबे घने काले बालों पर। अब जैसे ये केमिकल वाले शैम्पू को अपने बालों पर मलेगी रौनक ही बदल जाएगी। उस शैम्पू के चलते प्रतिदिन के साथ रूपा के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं हाय रे मेरे बाल झड़ गए। कमरे में आकर कौशल्या हंसती हुई कहती है, अरे ये क्या बहू रानी, तू तो सजनी से गजनी हो गई। वैसे ये चमचमाता हुआ टकला तेरे सर पर बड़ा जच रहा है। रूपा के गंजे होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। रुचि तुझे पता चला, रूपा की सारी बाल उड़ गए, वो तो अब गंजी हो गई है। अरे इक्का दुक्का केश भी नहीं बचे उसके सर पर। अच्छा हुआ जो उसकी सर की हरियाली छिन गई, अपने लंबे केश पर इतरा कर हमें कितना जलाती थी। रूपा को अपने बालों को खो देने के गम से रोता हुआ देख केशव कहता है, रूपा अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत से प्यार करता हूँ, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे खास होते हैं क्योंकि वही उसे सुंदर बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में बिलख बिलख कर रोती हुई कहती है, काश माँ आज तुम मेरे पास होती। अचानक एक तेज रोशनी के साथ उसकी माँ प्रकट होकर कहती है, रूपा मेरी बच्ची निराश ना हो, माँ आप यहाँ, तेरे बहते आंसुओं के कारण मुझे स्वर्ग से यहाँ लौटना पड़ा। गंगा की आत्मा अपनी शक्तियों से रूपा के गंजेपन को सोने के बालों में बदलकर कहती है, बिटिया ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। प्रतिदिन के साथ तेरे ये सोने के बाल तुझे एक सोने का सिक्का दिया करेंगे जिसे तेरी क्रूर लालची सास तुझे सताना बंद कर देगी। रूपा आईने में अपने सोने के चमचमाते बाल देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके बालों की अंतिम छोर से एक सोने का चमचमाता सिक्का गिरता है जिसे उठाकर वो अगली सुबह अपनी सास को देकर कहती है, सासू माँ माँ ने मुझे ये सिक्का आपको देने को कहा था। बहू के सोने के बाल देखकर कौशल्या की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं और वो कहती है, अरे गंजी रात रात तेरे टकले माथे पर सोने की खेती कैसे उभर आई। कल रात माँ मेरे पास आई थी, उन्हीं के जादू से मुझे ये सुनहरे सोने के बाल मिले हैं। लालची कौशल्या अकेले में खुद से कहती है, मैं तो खामखा इसके लंबे बालों से जल बुन रही थी, ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली, अब ये हर दिन मुझे सोने के एक सिक्के दिया करेगी, मेरी तो लॉटरी लग गई। बस इसे मेरी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ही उसको गंजा किया था। कौशल्या की ये बात केशव सुनकर कहता है, मुझे तो पहले ही शक था कि आपने ही रूपा के बाल से जलकर उसे गंजा किया था,
क्या रूपा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करती? कौशल्या अपने बहू के कदमों में गिरकर कहती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू, गंजेपन का कारण मेरी जलन था। जलन में आकर मैंने तुझे कितना परेशान किया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं सच से वाकिफ हूँ, पर आपका सच्चा पश्चाताप उन सैकड़ों गलतियों पर भी भारी है। चलिए सभी गिले शिकवे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज मुझको एहसास हो गया कि धन से बड़ी दौलत परिवार और प्यार है। तेरे सोने के लंबे बालों से मिलने वाले सिक्कों से अब हम जरूरतमंद लोगों की मदद किया करेंगे। तीन जादुई सोने के बाल वाली रानियां। मगध साम्राज्य के राजा थे भूपति नरेश, जिनकी तीन रानियां थीं, पद्मिनी, कलावती और इंद्रावती। उन तीनों की खासियत ये थी कि उनके बाल जादुई सोने के बाल थे। राजा तीनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। तीनों रानी कक्ष में बैठी बातें करते हुए कहती हैं, ईश्वर हम रानियों पर कितना मेहरबान है ना, हम तीनों बहनें भी हैं और सोने के जादुई बाल वाली रानियां भी। तभी तो राजा हमें इस महल से बाहर कदम नहीं रखने देते, क्योंकि हम रानियों को सोने के जादुई बाल का वरदान प्राप्त है। तीनों रानियां ये कह ही रही थी कि उनके पति यानी कि राजा नरेश प्रवेश करते हुए कहते हैं, हमारी तीनों रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है, जरा हम भी तो सुने। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। हम आप तीनों रानियों के बाहर जाने से इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं आपके जादुई सोने के बाल आपके लिए खतरा साबित न हो जाए। राजा नरेश ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर को बखूबी संभाल रखा था, जिस कारण उनकी प्रजा उनसे काफी प्रसन्न थी। पर कुछ ही वर्षों में समय का ऐसा चक्र घूमा कि पूरे साम्राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी थी, जिस कारण वहाँ की प्रजा राजा से कहती है, महाराज को उनकी प्रजा का सादर प्रणाम। महाराज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी घरों की स्थिति कंगाली में बदल गई है। हमारे पास अब जरा भी धन नहीं, अब हम अपनी आर्थिक जरूरत कैसे पूरी करें। प्रजा की देखरेख करना एक राजा का कर्तव्य होता है, पर महाराज आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपकी प्रजा भूखा मर जाएगी। जिस प्रजा को वर्षों से अपने राजा पर आंख बंद करके भरोसा था, आज मेरी वही प्रजा मुझसे सवाल कर रही है। राजा आप हमारी समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए। राजकोष एकदम खाली हो चुका है, आप सभी ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता करूं। आप जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं या आप स्वयं ही हमारी मौत का कारण बनना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आप सभी का? मुद्दा एकदम साफ है, आपकी तीनों रानियों के जादुई सोने के बाल हैं। आप उनके जरिए राजकोष भी भर सकते हैं और हमारे खाते भी। ये बोलकर सभी प्रजा राजा के महल से चली जाती है और राजा निराश होकर अपनी तीनों रानियों के पास आते हैं। उन्हें चिंता में देखकर तीनों रानियां कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? मेरी प्रजा बिखरती जा रही है, मुझे आप तीनों रानियों की सहायता की जरूरत है। महाराज हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हम तीनों ही जादुई सोने के बालों वाली रानियां हैं। एक राजा की रानी होने के नाते प्रजा की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जादुई सोने के बालों वाली रानियां अपने बालों को आदेश देते हुए कहती हैं, हमारे जादुई सोने के केश, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जल्दी से अपना जादू दिखाना शुरू करो और हमें सोने के सिक्के दो। तीनों रानियों के कहते ही उनके जादुई सोने के बाल एकदम से लंबे हो जाते हैं, जिसमें से इंद्रावती के बालों से सोने के सिक्के, कलावती के बालों से सोने के जेवर और पद्मिनी के बालों से सोने के टुकड़े बरसने लगते हैं। और रानियां कहती हैं, महाराज इन्हें जरूरतमंद प्रजा को देकर अपना बोझ दूर कीजिए। शायद इसी दिन के लिए हमारे जादुई बाल हमें प्राप्त हुए थे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे जादुई सोने के बाल वाली तीन रानियों का पति होने का हक ठहराया। रानियों के सोने के बालों से निकले सोने के लगे ढेर को राजा अपने सेनापतियों की सहायता से ले जाकर सारी प्रजा में बांट देता है, जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब कभी भी राजा को अपनी प्रजा की मदद करनी होती तो वो अपने सोने के बालों वाली रानियों के बालों से सोने की मांग करके प्रजा की जरूरत पूरी किया करते। एक रोज राजा अपनी रानियों से कहते हैं, हमारी तीनों प्रिय रानियों,
आज शाम आप लोग अच्छे से सज धज जाइएगा। महाराज, आज शाम को कोई खास महोत्सव है क्या? आज हमारा एक बेहद ही पुराना मित्र हमारी तीनों रानियों से भेंट करने आने वाला है। कहीं वो भी हम तीनों रानियों के सोने के बालों को देखकर आपसे ईर्ष्या न करने लगे। तीनों रानियां आकर्षक वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं और चांदी की कंघी से अपने सोने के बालों को संवारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नरेंद्र उनके घर आता है और राजा उससे अपनी जादुई रानियों का परिचय कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र ये है मेरी तीनों रानियां, कलावती, इंद्रावती और पद्मिनी। ये कैसी जादुई रानियां हैं जिनके बाल खरे सोने के जैसे चमक रहे हैं। सोना नहीं चमकेगा तो क्या मिट्टी चमकेगी? हम तीनों के ये बाल सोने के ही हैं। काश ये तीनों सोने के जादुई बाल वाली मेरी रानियां होती तो मैं इस नरेश की किस्मत से भी प्रबल हो जाता। नरेंद्र, चलिए भोजन करने का वक्त हो गया है। खाने की मेज पर बैठा नरेंद्र के लालची आंखें उन तीनों रानियों के सोने के बालों को ही लगातार निहार रहे थी, तभी अचानक वो कहता है, वैसे आपके ये बाल जादू करना भी जानते हैं क्या? आप तीनों के सुनहरे बाल हैं कैसे? क्योंकि हम तीनों रानियां सगी बहने हैं, हमें बचपन से ही सोने के जादुई बाल का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे सोने के ये बाल सोने के सिक्के, जेवर और सोने के टुकड़े भी बरसाती हैं। अगर कोई हम रानियों के सोने के बालों को काट कर रख ले तो वो भी धनवान हो जाएगा। ये सुनकर नरेंद्र के मन में लालच की भावना और भी प्रबल हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है जो इन तीनों बेअकल जादुई सोने की बाल वाली रानियों ने अपना भेद मेरे सामने खोल दिया। अब मैं इनके बालों से इनसे भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। नरेंद्र अधिक अमीरी की लालसा में अपने भाड़े के टट्टू को रात के अंधेरे में रानियों के बाल काटने को भेजता है और वो तीनों खिड़की के रास्ते पहुँच कर कहते हैं, कालू, बबलू, इससे पहले कि इन तीन रानियों की नींद खुले जल्दी से इनके सुनहरे बाल को काट लो। दीनू, इन रानियों के जादुई बालों से हम खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। इनके सोने के बालों को देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। ये कहकर कालू कलावती रानी के बालों को काटने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके बाल काटने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, ये रानी के बाल हैं या जानवर के खाल? कब से काट रहा हूँ, एक भी बाल हाथ में नहीं आया। फिर दीनू कोशिश करके कहता है, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। दीनू इंद्रावती रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सोने के जादुई बाल दीनू को लपेट कर महल के कमरे में खूब पटकते हैं और वो घायल होकर कराह कर कहता है, अरे ये सोने के बाल है या बवाल? कितना जबरदस्त धोया है, दो से छह हड्डियों को कहीं दुगना न कर दे। अरे भैया मैं तो चला। फिर बबलू कोशिश करके कहता है, कैसे मर्द हो तुम, एक रानी के बाल नहीं काट पाए, मैं काट कर दिखाता हूँ। बबलू पद्मिनी रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पद्मिनी रानी के बाल उसे खिड़की से नीचे पटक देती हैं और तीनों रानियां नींद से उठकर कहती हैं, तुमने क्या सोचा कि हमारे बालों को काट के ले जाओगे और हमें स्मरण भी ना होगा? हम रानियों के जादुई सोने के बाल गरीब जरूरतमंदों के लिए हैं, लोभियों के लिए नहीं, और जो भी कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। जरूरत से ज्यादा लालच करना इंसान के लिए घातक साबित होता है, जो हमें इस कहानी में देखने को मिला।